अपनी मांगों को लेकर कलेक्टरी अधिवक्ता एसोसिएशन, दीवानी कचहरी बार एसोसिएशन और कमिश्नर कोर्ट के अधिवक्ताओं ने बुधवार को संयुक्त रूप से जिलाधिकारी कार्यालय से जुलूस निकाला। यह जुलूस जिलाधिकारी कार्यालय से निकलकर शास्त्री चौराहा, अम्बेडकर चौराहा होते हुए मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचा, जहां अधिवक्ताओं ने एक सभा आयोजित कर अपनी मांगों को प्रशासन के बीच रखा। इस दौरान अधिवक्ताओं ने अपनी मांग संबंधित ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा। जुलूस के दौरान अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। आपको बताते चले कि सभी तहसीलों के SDM अपने क्षेत्र के मुकदमों को हर सोमवार को गोरखपुर के हेडक्वार्टर में निस्तारण के लिए आते थे, लेकिन अब उन SDM को अपने ही क्षेत्र में विवादों का निस्तारण करने का आदेश जारी कर दिया गया है, जिससे काश्तकारों को नुकसान पहुंच रहा है। यही कारण है कि अधिवक्ता 6 अप्रैल से लगातार आंदोलनरत हैं। जुलूस में दीवानी कचहरी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिमन्यु पांडे, मंत्री प्रियनंद सिंह, अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी, मंत्री रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, दी कमिश्नरी कोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश्वर शाही सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कलेक्टरी अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी ने कहा, जिला मुख्यालय पर दाखिल करते थे और यहाँ पर SDO लोग आकर के विवादों का निस्तारण करते थे। अक्सर जो है अति विवादित मुकदमों में तहसीलों में विवाद हो जाया करता था, लिहाजा तहसीलों के बाद वहाँ के बादकारी जो है ये चाहते भी थे कि यहीं पर जो है वादों का निस्तारण किया जाए। यह परंपरा 40-45 वर्षों से चली आ रही है। अभी जो है बगल के जिले में आजमगढ़ में यह परंपरा कायम है कि वहां पर SDO लोग एक सप्ताह में 2 दिन आकर के वादों का निस्तारण करते हैं, लेकिन बिना किसी बादकारी के एप्लीकेशन दिए उस पर उस व्यवस्था के विपरीत, बिना किसी प्रकार का कोई बादकारी के दरखास्त दिए, बिना किसी अधिवक्ता संगठन के दरखास्त दिए इस परंपरा को समाप्त कर देना चाहते हैं। बादकारी हित में अधिवक्ताओं ने जो है इनसे मांग किया कि जो 45 साल 40 साल से परंपरा चली आ रही है उसको कृपया वह बनाए रखें, लेकिन यह अपनी हठबाधिता और बादकारियों के हितों के विरुद्ध यह कार्य करते हुए यह अपने मनमानी पूर्ण रवैये को कायम रखने पर तुले हुए हैं। अधिवक्ताओं को किस प्रकार की दिक्कत आ रही है? अधिवक्ताओं को दिक्कत यह आ रही है कि वह बादकारियों के हितों के लिए वकालत करने के लिए आते हैं। वो बादकारी जिनके मुकदमे जिले मुख्यालय पर दाखिल होते हैं, जो बादकारी जिला मुख्यालय पर मकान बनाकर नौकरी करके व्यवसाय करके यहाँ पर वह रहते हैं, उनके हितों के प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अति विवादित मुकदमे आज जो है भूमाफियाओं द्वारा अक्सर विवाद की स्थिति में जो है हाईजैक कर लिया जाता है, जो है गवाहों को तोड़ लिया जाता है, धमका दिया जाता है और वैसे बादकारी वहां से न्याय नहीं पा पाते हैं। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा जिला प्रशासन के माध्यम से, आपके माध्यम से शासन को बताना चाहूंगा कि 5 दिन वह उप जिलाधिकारी तहसील मुख्यालय बैठते हैं और 1 दिन यहाँ बैठते हैं, यहाँ के परसेंटेज ऑफ केस का निस्तारण जो है वहाँ के केसों से 2 गुना है। बादकारियों के हितों के लिए सबसे आवश्यक है मुकदमे का निस्तारण करना। जब 2 गुना मुकदमे का निस्तारण यहाँ है और बिना किसी बादकारी के जो है मांग पर यह क्यों इस जिद पर अड़े हुए हैं? निश्चित रूप से अधिवक्ताओं के हितों के विरुद्ध जो है बादकारियों के हितों के विरुद्ध शासन की नीतियों के विरुद्ध यह काम कर रहे हैं। मूल मांगे यह है कि जो 40-45 साल से जो उप जिलाधिकारी जिला मुख्यालय बैठकर सोमवार को बैठकर न्यायिक कार्य करते हैं, वो व्यवस्था को जो है वैसे जारी रखा जाए।